शुरुआत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्राचार्य सुमन कुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। एक ऐसी शिक्षा नीति, एक ऐसी कल्पना जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करे और इस तरह भारत की को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक समाज, एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देता है। 10+2 ग्रेड 10 के बाद 2 साल की स्कूली शिक्षा को संदर्भित करता है। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार भारत में 10+2 स्कूली शिक्षा की जगह 5+3+3+4 प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।